अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सोने सिंह में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमने पिछली वीडियो में स्टूडेंट्स की समरी काउंट एफ और सम एफ फार्मूला के ज़रिए बनाना सिखाई थी, जिसमें हमने हर क्लास के बच्चों की तादाद और उनकी फीस अमाउंट अलग-अलग निकाल कर दिखाई थी। लेकिन अगर एक क्लास की हर सेक्शन के बच्चों की तादाद और उनकी फीस अमाउंट मालूम करनी हो तो उसके लिए क्या करेंगे? तो उसके लिए हम एक और फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जिसको काउंट एफ्स और सम एफ्स फार्मूला कहते हैं। ये फार्मूला भी काउंट एफ फार्मूला और सम एफ फार्मूला की तरह काम करता है, लेकिन अगर हमारे पास ज़्यादा कंडीशंस हो तो इसके लिए काउंट एफ्स और सम एफ्स फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो काउंट एफ फार्मूला और सम एफ फार्मूला के ज़रिए हम स्टूडेंट्स के क्लास और हर सेक्शन की समरी बनाना सिखाएंगे। लेकिन इससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आखिर तक देखें। तो स्टूडेंट्स की हर सेक्शन की समरी बनाने के लिए हम ये टेबल बनाएंगे। सबसे पहले क्लास का कॉलम लिखेंगे, उसके बाद उनकी सेक्शन, उसके बाद स्टूडेंट्स का नंबर, उसके बाद फीस अमाउंट। उसके बाद ये क्लास वाले कॉलम में हम हर क्लास लिखेंगे और उसके सामने सेक्शन लिखेंगे, पहले ए फिर उसके बाद बी, उसके बाद सेवन्थ क्लास लिखेंगे, उसके बाद सेक्शन ए और सेक्शन बी, उसके बाद एट्थ क्लास लिखेंगे, उसके बाद उसकी सेक्शन ए और सेक्शन बी। इसी तरह हमारे पास नाइन्थ तक क्लास, टेंथ तक क्लासें हैं, तो हम हर क्लास की अलग अलग सेक्शन और अलग अलग क्लास लिखेंगे। अभी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मालूम करने के लिए हम काउंट एफ फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। काउंट एफ फार्मूला उसी तरह जिस तरह काउंट एफ फार्मूला लगता है, लिखेंगे सी ओ यू एन टी, ये देखें काउंट एफ फार्मूला, ये नीचे सबसे आ रहा है। अभी ये कह रहा है कि पहले क्रिटेरिया का आप रेंज दें। रेंज देने के लिए हम स्टूडेंट्स की शीट पर चले जाएंगे और क्लास के कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। ये कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन, इस रेंज सिलेक्ट हो गई। अभी इसको रेंज देंगे सिक्स क्लास की है, सिक्स लिखेंगे। अभी इसको दूसरी कंडीशन देंगे, उसी तरह इस सेक्शन वाला कॉलम सिलेक्ट करेंगे, और कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन करेंगे तो ये हमारा सारी रेंज सेलेक्ट हो जाएगी और इसको सेक्शन ए करेंगे और ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारे सामने रिज़ल्ट आ गया। अभी ये रिज़ल्ट बंद कर सेक्शन बी में बनाने के लिए इसको कॉपी करेंगे और सेक्शन बी में कॉपी करेंगे और इधर खाली बी लिखेंगे। उसके बाद सेवन्थ क्लास में वही फार्मूला कॉपी करेंगे, लेकिन इधर एक क्लास भी चेंज करेंगे, सिक्स को सेवन करेंगे और सेक्शन ए तो इसी तरह लिखेंगे। उसके बाद इधर ये क्लास भी चेंज करेंगे और सेक्शन भी चेंज करेंगे। इस तरह से ये सारे क्लासेस में हम इसी तरह अप्लाई करते जाएंगे। इसको एड से कर दिया और इसको बी किया, इसको एड्स क्लास किया, इसको नाइन्थ किया कर दिया,
इसकी ए सेक्शन है, इसको इधर रहने देंगे और नाइन्थ इधर कर दिया और बी सेक्शन करेंगे सर। इसी तरह उधर टेंथ और इसको बी करेंगे। अभी इसका रिजल्ट टोटल चेक करने के लिए इधर ऑटो सम प्रेस करेंगे, देखें हमारा वही रिजल्ट आ रहा है, ये 108 आ रहा है। इसमें कहीं हमने गलत फार्मूला डाल दिया है, हम इसको दोबारा चेक करते हैं। 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B ये इधर देखें, ये हमने खाली 10 लिखा है, इधर 10 लिखेंगे तो ये हमारा इधर आ जाएगा। ये इधर 120 इधर है और इधर पहले जो काउंट फार्मूला के जरिए हमने लगाया था इधर 120 आ रहा है। अभी हम फीस अमाउंट चेक करेंगे। इसी तरह फीस अमाउंट इक्वल्ड सम एफ से ये इधर आ गया नीचे। ये अभी पहले कह रहा है कि आप सम रेंज दें, यानी सम रेंज वो जो फीस अमाउंट आपने सम करनी है, तो उसको रेंज देने के लिए हम उसी तरह स्टूडेंट शीट पे चले जाएंगे और फीस कॉलम का आप पहला डाटा सेलेक्ट करेंगे, यानी पहली रो सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन और ये कामा दे दिया, उसके बाद फिर क्राइटेरिया जिस तरह हमने उसमें काउंट एफ में दिया था इसी तरह इसमें क्राइटेरिया देंगे। सबसे पहले क्लास में चले जाएंगे, और सिक्स का कर रहे हैं तो सिक्स को लिखेंगे, उसके बाद फिर कामा, फिर दूसरा क्राइटेरिया, हमने सेक्शन की फीस अमाउंट लेनी है, उसी तरह सेक्शन को करेंगे क्लिक और उसके रेंज सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन और इधर ए लिख लेंगे और ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे, तो ये हमारी सेक्शन ए की अमाउंट निकल आएगी। इसी तरह फिर इसको फार्मूले को कॉपी कर लें और दूसरे सेक्शन में डाल दें। इधर खाली सेक्शन चेंज करनी है, बाकी फार्मूला वही रहेगा। अगर हम ड्रैग करके करेंगे तो ये हमारा रेंज चेंज हो जाएगा और क्लास भी आगे चेंज है, तो ये सही फार्मूला नहीं होगा, तो इस वजह से हमें कॉपी करके आगे डालना पड़ेगा। अब इसी तरह इसको सेवन्थ लिखेंगे और इधर बी करेंगे, इधर ए ही है तो ए लिखेंगे और इधर सेवन्थ क्लास करेंगे और इधर बी सेक्शन है तो बी लिख लेंगे। अभी ये एट्थ क्लास आ गई, इसको एट्थ लिखेंगे, सेक्शन वही रहेगी, ये इधर एट्थ हो गई और इधर बी सेक्शन है तो बी लिख लेंगे। ये देखें आखिर में इसी तरह ये इंशाल्लाह होती जाएगी। ये अभी नाइन्थ है, अभी ये नाइन्थ क्लास और सेक्शन बी, इसी तरह ये टेंथ आ गया और ये सेक्शन इसी तरह ही है। अब ये टेंथ की सेक्शन बी हो गई, अभी इसी तरह ही चेक करने के लिए ऑटो सम लगाएंगे। इधर से ड्रैग कर लें या बेशक ऑटो सम का बटन प्रेस कर लें, 2,59,606 आ रहे हैं,
ये जो है इधर भी 2,59,600 आ रहे हैं। इसी तरह इनको फिर फॉर्मेटिंग देने के लिए आप टेबल को सिलेक्ट करें और इधर से इनकी टेबल एक्टिव कर लें, हेडिंग इनकी आप बेशक बोल्ड कर लें अपनी मर्जी से, और इनको कामा देने के लिए आपको, मैंने पहले भी इसमें अपने आर्टिकल में लिखा है, इसको क्लिक करेंगे तो ये आ जाएंगे। अगर ये इनके ये कम कर लें 0 तो ये इधर से प्रेस कर लें। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मेहरबानी, अल्लाह हाफिज़।